ज़कात हकीकत में है क्या, इसको समझ लीजिए। ज़कात के एतबार से भी शरीयत इस्लामी के रूह से माल जो है वो दो किस्म का है। जैसे जमीन मैंने अर्ज किया दो किस्म की, खराजी उशरी, ऐसे ही माल बातनी, अम्वाले बातनी, अम्वाले जाहिरी। किसी शख्स ने घर में कुछ पैसा रखा हुआ पसंदाज करके, ये अम्वाले बातनी है। किसी ने जेवर रखा हुआ है, चलिए सोने की डली रख ली है किसी ने, किसी बुरे वक्त के लिए, पता नहीं नोट जो है वो तो धेले के रह जाए, जैसे कुवैती दिनार हो गया था, कहीं ऐसी आफत ना आ जाए तो थोड़ा सा थोड़ा लेकर रख लो। ये जो घर में छुपा हुआ माल है ये अम्वाले बातनी है, इनकी ज़कात इस्लामी रियासत निज़ाम खिलाफत जबरदस्ती नहीं लेती, वरना तो घर घर जाके जामा तलाशी करनी पड़ेगी, ट्रंक खोलने होंगे, तकिए उधेड़ कर देखने होंगे कहीं कुछ रखा हुआ तो नहीं है। इस्लाम का निज़ाम निज़ाम फितरत है। अम्वाले बातना में आपको आज़ादी है, ज़कात दें जिसे चाहे दे दें, आपका और अपने रब का मामला है, वहां हिसाब जाके दे दीजिएगा। अम्वाले ज़ाहिरी की ज़कात जबरन ली जाएगी। वो क्या है? ये माल है जो दुकानों में है, अम्वाले तिजारत। ये फैक्ट्रियां हैं जिनमें फिनिश्ड प्रोडक्ट भी है, खाम माल भी है। ये भेड़ बकरियों के गल्ले हैं, हजार हजार भेड़े और हजार हजार बकरियां, ऊंटों की कतारें, ये है जो जाहिर माल है, सामने है, कहाँ छुपा कर ले जाएंगे? गोदाम भी है तो वो घर तो नहीं है, गोदाम की तलाशी हो सकती है, दुकान का हिसाब लगाया जा सकता है। फैक्ट्री के अंदर उसकी जमीन, उसकी मशीन, उसके टूल्स एग्जम्प्ट, उस पर ज़कात नहीं है। लेकिन जो भी माल है इसमें वो दो शक्लों में होगा, या खाम माल है, कपड़ा बनाने का कारखाना है तो धागा पड़ा है इतने करोड़ का, तैयार कपड़ा है इतने करोड़ का, उसका 2.5% दे दीजिए। माल है 5 लाख का दुकान के अंदर, 2.5% दे दीजिए, माल जाहिर है। और इसमें इससे कोई गरज नहीं कि साल भर में आपने कुछ कमाया कि गवाया। जब तक आप निसाब की हद से ऊपर हैं, चाहे आपका उस साल में आधा माल गया, 10 लाख की मालियत थी, अब आप 5 लाख के हैं, लेकिन 5 लाख पर भी आपको 2.5% देना है, चाहे कमाया हो चाहे गवाया हो। और ये टोटल पर है, किसी अकाउंटेंट की जरूरत नहीं, जो तारीख मुअय्यन है जाकर देखिए क्या माल पड़ा हुआ है, 2.5% हिसाब करके देखिए, इतनी रकम आएगी। अभी जो कह रहे थे जनरल साहब कि ये नारा भुट्टो ने लगाया, ये बिल्कुल वही बात है जो अल्लामा इकबाल ने फरमाई है। मगरिबी तहजीब में भी एक हिस्सा हक का है, अगरचे बातिल ने उसके ऊपर पूरा गलबा हासिल कर लिया, लेकिन हक का हिस्सा उसमें भी था। वो क्या था? औहाम पर अपनी बात ना कायम करो, ला तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्मुन इन्न सम्अ वल बसरा वल फ़ुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला। इल्म पर बात करो, वहम पर नहीं, महज तसव्वुरात पर नहीं, महज तवहमात पर नहीं, इल्म पर। मौक़िफ़ तुम्हारा इल्म पर कायम होना चाहिए। ये बात थी, उन्होंने ली, तवहमात को ख़त्म किया, खोल आँख, ज़मीन देख, फलक देख, फ़ज़ा देख, मशरिक़ से उबरते हुए सूरज को ज़रा देख। लिहाजा साइंस बढ़ी, टेक्नोलॉजी बढ़ी, आई उनके हाथ, तरक्की आई। इसी तरह ये समझ लीजिए रोटी कपड़ा और मकान कोई काफिराना नारा नहीं था, ये अफराद का बुनियादी हक है। और तारीख़ इंसानी में पहली मरतबा उमर फारूक ने इस हक का बयान किया। अगर दजला और फुरात के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो उमर क़यामत के दिन जिम्मेदार होगा। कौन मार्क्स है, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, कौन कोई जदीद तस्वुरात देने वाले होंगे। ये कल की पैदावार है और आज खत्म हो चुके। आज उनके चेहरों पर कालक बली जा रही है, आज उनके मजस्मे गिराए जा रहे हैं। उमर फारूक का फरमान, ये मोहम्मद के गुलाम और एक अदना तरबियत याफ्ता सिपाही का फरमान है, ये ताक़याम क़यामत कायम रहेगा। हर शहरी की बुनियादी ज़रूरियात की किफ़ालत है जो निज़ाम खिलाफत के ज़िम्मे। और इसमें तो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, इसमें तो हज़रत उमर ने मुसलमान नहीं कहा, सिर्फ मुसलमान नहीं, जानवरों तक बात पहुँचा दी। इसका मतलब यह कि गैर मुस्लिमों का भी हक है। इसलिए कि हजरत उमर ही ने एक मरतबा देखा था, किसी सूबाई दारुल हुकूमत के दौरे पर गए थे, कोई एक बुढ़ा गैर मुस्लिम गालिबन मजूसी था, वो कुछ खैरात मांगता फिर रहा था, बहुत बूढ़ा ज़ईफ। वहाँ के आमिल से हजरत उमर ने पूछा, ये क्या मामला है, ये खैरात मांगने पर क्यों मजबूर हो गया? तो उन्होंने कहा गरीब है और इसके पास कोई जरिया नहीं है। फरमाया ये बड़ा जुल्म है कि जब ये जवान था, कमाता था, हम इससे जिजिया लेते थे, और आज अगर ये बूढ़ा हो गया है और इसका कोई वाली वारिस नहीं है तो हमने इसे सड़कों के ऊपर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया, उसका भी वजीफा मुकर्रर हो जाएगा। ये जिम्मेदारी, ये किफालत आम्मा हर शहरी के लिए। और ये जान लीजिए तिजारत में और सनात में ये सारा फसाद जो इस वक्त है वो इस वजह से है कि आम आदमी, आम किसान, आम मजदूर मजबूर है कि सरमायादार और जागीरदार की टर्म्स पर काम करे। ना करेगा तो क्या करेगा? ट्रेड यूनियन बना लीजिए, वो भी जेबी ट्रेड यूनियन बना लेंगे, उनके अपने एजेंट होंगे। अब लड़िए, खून किसका जाएगा? मजदूर एक दूसरे से टकराएंगे, कुछ हासिल नहीं। इस्लाम ने क्या निजाम दिया है? आप गरीब को जमानत दे दीजिए, अगर तुम्हें सही वेज नहीं मिल रही, तुम्हें सही मुबादला नहीं मिल रहा अपनी मेहनत का, मत काम करो, तुम्हें भूखा नहीं मरने दिया जाएगा, तुम्हारी बुनियादी जरूरियात की किफालत रियासत करेगी। अब हुई बराबर की चोट। अगर कारखानेदार कह सकता है कि अगर आपको यह चीज मंजूर है काम कीजिए, वरना जाइए, सब मजदूर चले जाएंगे, मैं लॉकअप कर दूंगा, कारखाना बंद कर दूंगा। लेकिन यह कि मजदूर इस वक्त ये नहीं कह सकता, वो तो कहेगा जनाब उसी तनख्वाह पर काम करूंगा, इसलिए कि एक दिन काम ना करे शायद बच जाए, दो दिन काम ना करे बच जाए, तीसरे दिन फाका आएगा, उसके पास खाने को नहीं है। लेकिन अगर मालूम हो मेरी रियासत खिलाफतुल्लाह फिल अर्ज़, वो जामिन है, वो रब्बुल आलमीन है, और उसी की रब्बुल आलमीनी का ये मजहर है निज़ाम खिलाफत, रहमतुल्लिल आलमीनी का सबसे बड़ा मजहर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ये निज़ाम खिलाफत, ये जामिन है, ये मुझे भूखा नहीं मरने देगा, ये मेरे बच्चों के लिए कोई ना कोई छत जरूर फराहम करेगा। तो फिर उसके पास भी बार्गेनिंग पावर है, वो भी कदम जमा कर बात करेगा कि जनाब ये बेच देते हैं तो काम करूंगा वरना नहीं करूंगा। ये है जो आसान तरीन हल है। बाकी ये कि जबर किया था रूस ने, उसका हशर देख लिया। और सरमायादाराना निज़ाम इस वक्त तो बड़ा खुश है, उसके डंके बज रहे हैं, उसकी फतह हो गई, सबसे बड़ा दुश्मन सरलगू है, वो तो सजदा किए हुए है। लेकिन यह कि वाकया ये है सरमायादाराना निज़ाम के अंदर जो कंट्राडिक्शंस हैं, जो तजादात हैं, अब वो जाहिर होंगे। जब बाहर मुकाबला था, अंदर की लड़ाई खत्म थी, अब अंदर से फसाद उभरेगा, अंदर से एक्सप्लोजन होंगे। ये गैर फिक्री निज़ाम, ये गैर इंसानी निज़ाम, ये गैर बाकूल निज़ाम खत्म होकर रहेगा। काश के इसकी जगह सही, मोतदिल, मुतवाज़िन, आदिलाना निज़ाम खिलाफत, उसका कोई नमूना हम दुनिया के सामने पेश कर दें। इस वक्त पूरी दुनिया की तरफ हमारी जिम्मेदारी है। सारी नौ इंसानी के हम मकरूज हैं कि हमारे पास हिदायत है, लेकिन हम उस पर खजाने का सांप बनकर बैठे हुए हैं, न खुद अमल करते हैं, न दूसरों के सामने नमूना पेश करते हैं।